हेलो एवरीवन, तो आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आई एम गोइंग टू सरप्राइज माय फैमिली इन इंडिया और मैं जा रहा हूँ कनाडा से इंडिया। करंटली आई एम इन आबू धाबी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं कनाडा से इंडिया जा रहा हूँ तो फिर मैं आबू धाबी में कैसे हूँ। सबसे पहले जिन्होंने पुराने वाले व्लॉग्स नहीं देखे मैं उनको थोड़ी सी एक सिचुएशन समझा देता हूँ कैसे हुआ था। आई लिव इन नोवा स्कोशिया, तो मैं नोवा स्कोशिया से मैं टोरंटो आया था फ्लाइट लेके। टोरंटो रहा मैं 2 दिन, फिर टोरंटो से मैं अमेरिका गया था क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी अमेरिका से दिल्ली, वो थी इतिहाद की फ़्लाइट। और इतिहाद के एक ऑफर चल रहा था कि आप सेम फ्लाइट में स्टॉप ओवर लेकर वहाँ पर रुक सकते हो इन आबू धाबी। तो मैंने वहाँ पर कुछ ऑलमोस्ट 4 दिनों का स्टॉप ओवर लिया था, तो जिसमें से 2 दिन मैं वहाँ पर आबू धाबी घूमा, फिर बाद में 2 दिन मैं दुबई घूमा। तो अगर आपने नहीं पिछले व्लॉग देखे आप देख लेना जाकर, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। और वो स्टॉप ओवर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था मेरे लिए, तो उनका ऑफर चल रहा था ये वाला। तो ये भी नहीं अगर आपको पता तो फिर व्लॉग जाकर आप देख लेना पिछला, ताकि अगर आप फ्लाइट लेकर इंडिया आ रहे हो या फिर इंडिया से कनाडा जा रहे हो आप भी इस ऑफर का फायदा उठा सको। 2 दिन दुबई घूमने के बाद पिछले व्लॉग में मैं वापस दुबई से आबू धाबी ड्राइव करके आया। मैंने रेंटल कार ली थी आबू धाबी से, तो वो वाली रेंटल कार पहले हम आज रिटर्न करेंगे इस व्लॉग में, फिर बाद में हम फ्लाइट लेकर जाएंगे दिल्ली। तो बहुत बढ़िया व्लॉग रहने वाला है, मेक श्योर टू वॉच दिस व्लॉग टिल एंड। सो एनीवेज वेलकम बैक टू कनाडा व्लॉग, यू नए आया मेक श्योर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कैसे लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आबू धाबी मैं पहुंच चुका हूं और आबू धाबी पहुंचे हुए मुझे कुछ हो ही गया है आधा घंटा। तो अभी मैं दुबई घूम कर आया हूं, तो ये आबू धाबी तो यार मुझे इतना ज्यादा खाली लग रहा है ना, आप मान नहीं सकते। मुझे ये देखकर लग रहा है कि यार कहां आ गया मैं, उजाड़ में आ गया। एक और चीज आपको बताऊं, यहाँ पे ना हद से ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं। आई एम सो सॉरी कि आपको मैं कुछ भी दिखा नहीं सका रास्ते में। रास्ते में बहुत बढ़िया व्यू था, दोनों तरफ डेजर्ट था, मैं आपको दिखाना भी चाहता था, लेकिन मैं इतना हैरान हुआ ना ये देखकर कि हर एक हाईवे के ऊपर इन्होंने कैमराज लगाए हुए हैं। 1 किलोमीटर के बाद कैमराज लगाए हुए हैं इन्होंने पूरे हाईवे के ऊपर। मैं 120 किलोमीटर की ड्राइव करके आया, पूरे हाईवे के ऊपर 1 किलोमीटर के बाद कैमराज लगे हुए हैं। ये मौका देते ही नहीं है फोन निकालने का, फोन उठाने का। अगर हमने फोन उठा लिया वो हमारी पिक्चर क्लिक कर लेगा गाड़ी की और हमें टिकट दे देगा। जो मैक्सिमम स्पीड थी हाईवे के ऊपर वो थी 140 किलोमीटर पर आवर, जो लोएस्ट स्पीड थी हाईवे के ऊपर वो थी 120 किलोमीटर पर आवर। तो अभी बस मैं गाड़ी दे दूंगा कुछ ही टाइम में, लेकिन गाड़ी में हमें ना टैंक फुल करवाना पड़ेगा। तो जब हमने गाड़ी ली थी ना उनसे तो उन्होंने कहा था कि क्वार्टर है टैंक का, तो हमें सेम क्वार्टर करके ही उनको वापिस करनी पड़ेगी गाड़ी, नहीं तो वो हमें चार्ज करेंगे। तो गाड़ी का तेल अभी यहाँ तक है, देखो हमें यहाँ तक उसकी सुई करवानी पड़ेगी। तो ज्यादा नहीं कुछ, मे भी 10 दिराम का या 10-15 दिराम का तेल डलवाऊंगा, उससे हो जाएगा वहां तक, फिर दैट्स इट। फिर वापस आकर यहीं पर मैं गाड़ी रिटर्न कर दूंगा। अभी मैं प्रीमियम इनके सामने बैठा हूँ, वो बुला होटल यहाँ पे मैं रुका हुआ था ना पहले, यहीं पे आकर मैंने साइड पे मुझे जगह मिल गई थी, मैंने गाड़ी लगा दी। अभी जल्दी से गैस वगैरह डलवाते हैं और फिर बस अभी गाड़ी दे दूंगा मैं, रिटर्न कर दूंगा। पूरे 6 बज गए हैं क्योंकि हमारे 4 घंटे रहते हैं बस फ्लाइट के उड़ने के लिए। गाड़ी अपनी पार्क कर दी है इसकी लोकेशन पर, पार्किंग लोकेशन। तो अभी ट्रॉली लेकर आता हूँ ढूंढकर, एयरपोर्ट पे ही हूँ वैसे मैं, अंदर से ही एंट्रेंस है, अंदर अंदर से ही हम एयरपोर्ट पर चले जाएंगे। क्या हाल है भाई जान, बढ़िया? गर्मी बहुत है ना, गर्मी की आदत बढ़ गई। मतलब इस वाले व्लॉग में मैं सरप्राइज दूंगा अपने घर वालों को, और फाइनली हमारा सफर शुरू हो रहा है। आपने पिछले व्लॉग देख लिए, यहाँ तक आने में बहुत मजे किए, नाउ लेट्स गो टू इंडिया। L3 पे जाना था, L1 पे आ गया गलती से। तो अभी बस अपना सामान वगैरह छोड़ते हैं और टाइम हो गया पूरे 7:03, 3 घंटे रहते हैं मेरी फ्लाइट को निकलने में। तो अब जल्दी से वहां पर अपना सामान छोड़ते हैं, बोर्डिंग करते हैं और अंदर जाकर बैठते हैं। अंदर आ गया हूँ अभी एयरपोर्ट के, फाइनली चेक इन भी हो गया है। तो यहाँ से अब मैं कुछ भी ले जा सकता हूँ क्योंकि इंडिया ही जाना है ना सीधा। तो सोच रहा हूँ कि दुबई आया हूँ तो यहाँ की फेमस खजूरें ले ही जाऊँ। जिस वक्त अंदर आ रहा था उस वक्त नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा एयरपोर्ट है और अंदर इतनी भीड़ होगी, बाहर से तो बहुत छोटा सा लग रहा था जब सिक्योरिटी हुई, लेकिन अंदर भरा हुआ है एयरपोर्ट। एंड एनीवेज मैंने ये 2 खजूर के डब्बे बाय कर लिए हैं घर के लिए। अब अंदर जाने से पहले जरा पानी की बोतल ले ली जाए क्योंकि अंदर पता नहीं मिलेगा या नहीं कुछ, नहीं तो रेडबुल ही ले जाता हूँ सोच रहा हूँ। 20 दिराम की है रेडबुल।
अभी अपने गेट के सामने आकर बैठा हूँ और वहाँ से गेट नंबर 55 से हमारी फ्लाइट जानी है, लेकिन एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि बाहर इन्होंने बसेस खड़ी की हुई है। देखो तो अभी यहाँ से ना पहले बस में लेके जाएंगे रनवे तक, तो फिर रनवे पे प्लेन होगा तो वहीं से बिठाएंगे। तो लग ही रहा था मुझे कि एयरपोर्ट काफ़ी छोटा है, देखो कैसा लग रहा है ना अंदर से। अंदर आ गया हूँ तो सच में बस में ही लेकर आए थे, और अभी बस अंदर आकर बैठा हूँ। अभी तक तो मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बढ़िया प्लेन है, मुझे लगा था कि छोटा प्लेन होगा, और स्क्रीन वगैरह तो बिल्कुल नहीं होगी इसमें, लेकिन स्क्रीन भी है, रिमोट भी है, कमाल है। मेरी तो एक्सपेक्टेशन ही ख़त्म हो गई थी जब ये बस में लेकर आए, लेकिन यही है इतिहाद की सीट्स भी काफ़ी बढ़िया होती है। देखो कितनी ज़्यादा लेग स्पेस है, टांगें खुल जाती हैं। इसको देखकर पता चल रहा होगा आपको कि फाइनली मैं लैंड कर चुका हूँ दिल्ली में। बाहर निकलते ही प्लेन से सबसे पहले वॉशरूम आया हूँ जरा फ्रेश होने के लिए। चलते हैं बाहर फिर जाके बातें करते हैं। यकीन नहीं हो रहा कि मैं फिर से लैंड कर चुका हूँ अपने देश में, और वो भी कितने महीनों के बाद, ऑलमोस्ट 4-5 महीनों के बाद आ भी गया हूँ वापिस इंडिया। मजा आने वाला है, आज ही घर पे जाना है, सरप्राइज देना है। उनको पता है मैं आ रहा हूँ, लेकिन ये नहीं पता कब आ रहा हूँ। पहुंच गए हैं इंडिया। पहली बार है आज मैं दिल्ली एयरपोर्ट को खाली देख रहा हूं, नहीं तो हमेशा यहां पर भीड़ होती है, भरा होता है बुरी तरह। आज तो बहुत खाली है, एक भी लाइन नहीं है। तो अभी यहां पर इमिग्रेशन होगी, सबसे पहले स्टैंप लगेगी पासपोर्ट के ऊपर कि आ चुके हैं अपने देश में। तो इस साल इंडिया में हो रहा है ना G20, एयरपोर्ट पर भी पूरा सजाया हुआ है उसी के कारण। इमिग्रेशन हो गई है अपनी डन, स्टैंप लग गई है पासपोर्ट के ऊपर और सारा कुछ डन हो गया है। तो अभी बस मैं बाहर जाऊंगा यहाँ से, ड्यूटी फ्री में पहुंच गया हूँ। अभी क्या करना है, अभी यहाँ से ड्यूटी फ्री से कुछ देखना है सबसे पहले, अगर कुछ लेना है तो। मोस्टली नहीं लूंगा इस बार क्योंकि जरूरत नहीं है, और दूसरी चीज अभी मुझे कोई भी घर से लेने के लिए नहीं आ रहा क्योंकि उनको पता है मैं आ रहा हूँ, लेकिन उनको मैंने कहा था कि आप लेने के लिए मत आना, बहुत दूर पड़ता है, यहाँ से कुछ 8-9 घंटे की ड्राइव है तो होशियारपुर मेरे घर तक। तो अभी यहाँ से हम बस लेंगे, बस जाती है इंडो कनेडियन जिसमें मैं पिछली बार आया था दिल्ली एयरपोर्ट। तो अब यहाँ से बस कैसे लेनी है क्या हिसाब है बाहर जाकर पता चलेगा दिल्ली एयरपोर्ट पर। लेकिन अभी सच में बताऊँ मुझे गर्मी नहीं लग रही 1% भी यहाँ पर दिल्ली में, क्योंकि मैं दुबई रहकर आया हूँ। दुबई में 45 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर था, यहाँ पर 30 डिग्री 28 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ तो मुझे सर्दियों जैसी फील आ रही है अब, क्योंकि मैं ऑलरेडी दुबई होकर आया हूँ। पिछली बार लेकर गया था मैं यहाँ से विस्की की 2 बोतलें, लेकिन इस बार नहीं लेकर जाऊंगा। चॉकलेट्स वगैरह जरूर देख लेते हैं, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर मुझे चॉकलेट्स इतनी पसंद नहीं आती क्योंकि यहाँ पे बहुत कम वैरायटी पड़ी होती है इसलिए। अभी मैं तीसरी बार इंडिया आया हूँ और पहली बार है कि एयरपोर्ट इतना ज्यादा खाली देख रहा हूँ, नहीं तो हमेशा भरा ही होता है। तो बैग लेना है अभी अपना, अबू धाबी से फ्लाइट आई है हमारी इतिहाद की, तो बेल्ट नंबर 14 पे मिलेगा बैग, वो रही बेल्ट नंबर 14 एट द एंड। लेकिन उससे पहले जरा अपना वाईफाई ऑन कर ले। अभी वाईफाई ऑन करने के लिए ना यहाँ पे कहीं पे कायोस की मशीन लगी होती है, वो रही सामने फ्री वाईफाई लिखा हुआ है ना, वहां से हमें लेना पड़ेगा कूपन। तो अगर आपके पास इंडिया नंबर नहीं है तो फिर आपको ऐसे ही जाकर कूपन लेना पड़ेगा, तभी जाकर वाईफाई कनेक्ट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो सामने, या तो उनसे जाकर कूपन ले लो या फिर कायोस के ऊपर अपना पासपोर्ट स्कैन करो, यहाँ से कूपन मिल जाता है। देखो आ गया पासवर्ड, अभी ये मिला है पासवर्ड, तो ऐसी कोई चिट निकलेगी आपका पासपोर्ट स्कैन करने के बाद, फिर इसके इस पर जो पासवर्ड लिखा हुआ है ना, कूपन कोड लिखा हुआ है, ये डालना पड़ता है, फिर जाकर वाईफाई कनेक्ट होगा। तो बैग ले लिए हैं मैंने अपने, दोनों बैग उठा लिए हैं और अब निकलने लगा हूँ बाहर। बाहर जाकर अभी बस का भी देखना पड़ेगा कि कैसे करनी है बस, उसका भी कुछ पता नहीं है, लिखा हुआ है यहाँ पर वैसे दिल्ली एयरपोर्ट पर। अगर आपने दिल्ली के बीच में ही जाना है फिर तो ये सही है, लेकिन हमने जाना है 9 घंटे दूर दिल्ली से, तो उसके लिए इंडो कनेडियन जाती है, वो वाली करता हूँ बाहर जाकर। तो अभी बाहर पे भी इंडियन करेंसी में करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में है ना, तो कार्ड से मैं पे करना नहीं चाहता। तो पिछली बार जब मैं गया था ना इंडिया से अभी 4 महीने पहले, तब मैं अपने साथ कुछ कैश लेकर गया था,
जो बचा था मेरे पास, और अब इंडिया में वही वाला कैश कम आएगा। पहले गिन लेते हैं कितने हैं। 7,500 रुपये हैं अभी हमारे पास, और इन 7,500 में से ही अब हम करवाएंगे अपनी बस। तो बस तो कुछ 2,000 की या तो 2,500 की कुछ होगी, अगर स्लीपिंग लेनी है तो फिर 2,500 की होगी, लेकिन टाइमिंग पे डिपेंड करता है। मैं स्लीपिंग लेकर जाना चाहता हूँ क्योंकि थका हुआ हूँ, सो जाऊँगा, लेकिन वो टाइम क्या है उसका, उस पर डिपेंड करता है। पहली बार घूम रहा हूँ मैं इतना अंदर दिल्ली एयरपोर्ट के, क्योंकि आज जल्दी नहीं है ना, कोई लेने के लिए नहीं आया, तो खुद ही जाना है इसलिए। तो आ गए हैं बाहर दिल्ली। यहाँ पर एसी नहीं है, लेकिन टेम्परेचर इतना भी बुरा नहीं है। हमें करवानी है इंडो कैनेडियन। अभी मैंने सुना है कि इंडो कैनेडियन बस का जो काउंटर है वो यहीं पर कहीं लगा होता है, दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर ही। तो मैं ढूंढता हूँ यहाँ पे कहाँ है, फिर वहाँ पे जाके देखते हैं हमें बस मिलती है तो कितने की मिलती है और कितने बजे की मिलती है। 5 बजे के बाद कितने बजे की है? 5 बजे के बाद। तो अभी बस करवाई है अपनी बस मैंने, तो मेरे पीछे है वहाँ पर इंडो कैनेडियन का काउंटर। जब आप बाहर आओगे ना एयरपोर्ट के बिल्कुल कॉर्नर में, आपको बिल्कुल एंड में लेफ्ट हैंड में आपको काउंटर मिल जाएगा उनका। अब ये जो मैंने करवाई है ये है नॉर्मल वाली बस, ये भी काफी कम्फर्टेबल है। मैं इसमें ही आया था। 2,200 रुपए की हुई है अभी बस, और वो घर तक छोड़कर आती है। घर तक तो पता नहीं, लेकिन होशियारपुर तक तो छोड़कर ही आएगी, सिटी तक तो छोड़कर आती है। स्लीपर क्लास थी वो थी 9 बजे, लेकिन ये वाली जो है ये है 5 बजे, और अभी टाइम हो रहा है पूरे 4 बज गए हैं। तो करना भी क्या था यहाँ पर 9 बजे तक एयरपोर्ट पर, मैं 5 घंटे पागल हूँ ऐसे बैठा रहा हूँ, 5 घंटे में मेरा आधे से ज्यादा सफर हो जाएगा। और ये वाली बस भी है ना, ये भी काफी कम्फर्टेबल है। बारिश होने लग गई है अभी तो, ठंडी हवा आ रही है, बढ़िया है। अभी मुझे लगता है कि रात का टाइम है ना, इसलिए भीड़ इतनी कम है एयरपोर्ट के ऊपर। तो अभी कुछ 10-15 मिनट की वॉक करके आए हैं एयरपोर्ट से बाहर यहाँ तक। अब यहाँ से बस मिलेगी हम, फिर यहाँ से जाएंगे हम पंजाब। बैठे हुए हैं सुबह के, और अभी पहला स्टॉप लिया है बस ने अपना। हवेली आती है पानीपत में, दिल्ली से बाहर निकलते ही साथ में ही है हवेली। तो पिछली बार भी यहीं पे रुके थे जब दिल्ली जा रहे थे, बारिश हो रही थी तो इसलिए सारा कुछ अंदर होगा। तो थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं क्योंकि बाद में अब बस नहीं रुकेगी, 10 मिनट के लिए बस रुकेगी, तो अभी खाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। लो जी फाइनली पहुंच गए हैं, लेकिन अभी बस पखवाड़े पहुंचा हूं। अभी यहां से इनकी गाड़ी लेकर जाएगी होशियारपुर तक, वहां तक जाने में भी एक घंटा लगेगा। लो जी बस पहुंच गए हैं होशियारपुर, और यहीं पे ऑफिस है इनका इंडो कैनेडियन का, तो वहां पे लगानी है गाड़ी, और अर्जुन आया होगा यहीं पे कहीं पे लेने के लिए। तो जी पहुंच गए हैं हम होशियारपुर। गड्डी आ गई है, बंद हो जाएगी ना। थैंक यू जी। तो फाइनली 1:30 बज गया है अभी, 1:36 हो गया दोपहर के। तो मैं रात को 3 बजे लैंड किया था, सुबह 5 बजे बस चली थी, और टाइम से पहुंचा दिया। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट सोल्यूशन, अगर आपने दिल्ली से यहाँ तक आना है, मेरे घर तक आने के लिए कुछ 8-9 घंटे लगते हैं दिल्ली से, और अगर कोई लेने आए ना फिर भी गाड़ी में बैठकर आना पड़ता है, और गाड़ी में बंदा तंग होता है। बस में बहुत कम्फर्टेबल सीट्स है, खुले डुले होकर आओ, और रास्ते में रोकते भी है एक दो बार वो, और सर्विस भी काफी बढ़िया है उनकी। और ऊपर से वहां से अब फगवाड़े से यहाँ तक मुझे 1 घंटे की ड्राइव है छोड़कर गए, मैं अकेला था फिर भी वो मुझे छोड़कर गए यहाँ पर। तो अब यहाँ से आगे मुझे अर्जुन लेने के लिए आ गया। तो अभी हमने जाना है घर पे। उनको लग रहा है कि मैं अभी भी 2-3 घंटों के बाद आऊंगा, उनको मैंने बताया नहीं है कि मैं आ गया हूँ यहाँ पे। तो चलते हैं घर पे, बाहर घर के बाहर कैमराज लगे हुए हैं, लेकिन तो मे भी उनको पता चल जाएगा, पता नहीं अब देखते हैं क्या रहता है सीन। घर पे जाके एक बार जरा सरप्राइज सा देते हैं उनको। तो अभी हम आगे लेकर आ गए हैं घर से गाड़ी, क्योंकि उनको ऐसे लगेगा किसी रैंडम पर्सन की गाड़ी है ना। इत्थे ला दे, क्या रीजन ना ले ला दे, अपना यहां इत्थे ला दे, बस इत्थे ला दे। चलो हम अंदर जाके पहला माड़े दरवाजे दा खलवा देख तो सही अनलॉक है कि नहीं। तुसी पीछे इत्थे रहो, अंदर ही रहो गड्डी दे, गड्डी में रहो। चलो चलो चलो, अब अर्जुन अंदर गया है देखने के लिए। फिर नॉन रोड चढ़ जानी उदों नहीं, मैं लगता नहीं उन्होंने बाहर आना। अभी हमने थोड़ा घर से पीछे खड़ी की हुई है गाड़ी। ठीक
लंच रेडी करके रखा हुआ है देखो। यस लंच रेडी बिल्कुल। तो ये देखो ये वाले दो डब्बे लिए थे खजूरों के, इसके अंदर तो बादाम भरे हुए हैं और ये एक नॉर्मल है डब्बा। मुझे दोनों आए थे 48 दिरहम के, साथ में 20% डिस्काउंट मिला था।